हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। हमने बचपन में देखा होगा, बचपन में सभी ने वैसे ये किया होगा, हम पेन से हमारे सर में रबिंग करते हैं, रबिंग मतलब इस टाइप से घिसते हैं उसको। ठीक है, जैसे ही घिसते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, पेन को चौक का जो डस्ट होता है बुरा, ठीक है, उसके पास ले जाते। तो होता क्या है, वो जो डस्ट पार्टिकल है वो सारा पेन पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोल सकते हैं कि वो चार्ज है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्ज की डेफिनेशन, इट इज़ एनर्जी पास्ड बाय बॉडी। ये क्या है, एक एनर्जी है किसके थ्रू पास करती है, ठीक है, एनर्जी पास्ड बाय बॉडी वर्चुअल ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी जिसमें एनर्जी हो, जो कि एनर्जी को क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। ठीक है, जब एनर्जी कब पास कर, इलेक्ट्रॉन के दो बॉडी के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होगा, जब उनके बीच में क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं पेन ले लेता हूँ, ये पेन ऐसे ही पड़ा है तो इसके बीच में अभी कोई एनर्जी नहीं। जैसे ही मैं पेन को उठा के इसे रब करूँगा तो मतलब इसके बीच में कोई एनर्जी होगी, तभी तो मैं रब कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या होता है, कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, और इसको कैपिटल सी से भी डिनोट किया जा सकता किया जाता है। ठीक है, CGS यूनिट हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है स्टेट कूलम। ठीक है, CGS यूनिट हमारी होती है स्टेट कूलम, और वन कूलम की वैल्यू होती है हमारी 3×10⁻¹ स्टेट कूलम। वन कूलम इज इक्वल टू होता है हमारा 3×10⁻¹ स्टेट कूलम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। CGS हो चुका है हमारा, CGS में वन कूलम की वैल्यू हमने देख चुके हैं, 3×10⁻¹ स्टेट कूलम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के टाइप्स पढ़ना हमको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। अब हमको इनको डीप में स्टडी करना है। सबसे पहला आता है पॉजिटिव चार्ज। व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज करती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन इन बिकम इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, उसको ही बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन का जिसमें लूज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, व्हेन अ बॉडी इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होता है पॉजिटिवली चार्ज में। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में होता है हमारा बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है। फॉर एग्जांपल ये दो बॉडी है ए एंड बी। ठीक है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज में क्या है, ये तीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज करके किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, तो बी गेन कर रहा है और ए क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पॉजिटिव है इसलिए प्लस लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज क्या कर रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर ले रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो तीन इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया उन्होंने, -3। ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें ग्लास रोल वाला जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम क्या करते हैं, ग्लास रोल उसको सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, ऐसे रबिंग करते हैं ग्लास रोल। ठीक है, रबिंग करने से क्या होता है, ग्लास रोड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ के अंदर चले जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जब हम सर्दियों में स्वेटर पहनते या निकालते हैं तब उसमें से आवाज़ आती है तर तर तर, वो भी इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम प्लस प्लस। अब रिपल्शन कब होता है, अट्रैक्शन कब होता है, ये चीज़ पढ़ना। दो चार्ज, लेट सपोज करो कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, मतलब वो क्या होता है, दूर दूर जाते हैं। जब दो चार्ज नेगेटिव नेचर के हो तो उनके बीच में भी क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, एक चार्ज पॉजिटिव एंड सेकेंड चार्ज अट्रैक्शन हो तो उनके, सेकेंड चार्ज नेगेटिव तो उनके बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकेंड चार्ज इज पॉजिटिव, देन उनके बीच में भी क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब कुछ बेसिक डिटेल्स और है चार्ज के बारे में, लाइक चार्ज क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, रिपेल
इच अदर, ऐसे चार्ज जिनके बीच में रिपल्शन होता है सिंपल सा, उनको बोल सकते हैं हम लाइक चार्ज। जिनके बीच में रिपल्शन होता है उनको क्या बोलेंगे हम, लाइक चार्ज। फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारे क्या है, लाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, जिनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिनके बीच में अट्रैक्शन होता है उनको हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो ऑब्जेक्ट है हमारे, दोनों पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। दो ऑब्जेक्टिव जो नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में होता है हमारा रिपल्शन। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में भी क्या होता है हमारा, अट्रैक्शन होता है। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, मतलब चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूँ आपको, सपोज़ कि ये बॉडी चार्जेबल है, इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा ये चार्ज, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी में क्या कर देगा, चार्ज जनरेट कर देगा, ठीक है। डेफिनेशन के थ्रू समझो आप, इफ़ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज, ठीक है, चार्ज बॉडी को किसके कॉन्टेक्ट में रखना है, अनचार्ज बॉडी के, तो अनचार्ज बॉडी में क्या आ जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, क्या होते हैं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्या होता है हमारा, ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी में सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज का सब, चार्ज का रिलेशन होता है मास से, ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज को हम बिना मास के नहीं रख सकते, ठीक है, चार्ज में भी मास होता है, ठीक है, लेकिन मास को विदाउट, मास को क्या कर सकते हैं, तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज को क्या करना, इससे पहले हमने पढ़ा चार्ज ट्रांसफर, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड वाला है, चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज को क्या कर सकते हैं हम, वन बॉडी, चार्ज को कंजर्व मतलब इकट्ठा करके रख, मतलब या फिर किसी न किसी तरीके से किसी बॉडी में स्टोर करके रखना, ठीक है, कंजर्व करके रखना, बचा के रखना, ताकि उसका लॉस ना हो। तो चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बिट, तो चार्ज को हम तो बना नहीं सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं उसको, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए चार्ज को भी हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कंजर्व हो जाता है, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है ये चार्ज की, फोर्थ वाला, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज देखना आप, ये बॉडी ए है हमारी, ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट मतलब ए की जगह फिक्स, स्टैटिक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल किसी रेस्ट बॉडी के पास जाता है, ये चार्ज पार्टिकल किसी रेस्ट बॉडी के पास जाता है, तो वो उसके सराउंडिंग मतलब चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के पास जाता है, तो वो क्या कर देता है, उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, ठीक है। वैसे ही आगे अगर हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन में, अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, रेस्ट में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चार्ज कोई ऑब्जेक्ट के पास गया, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में हो, तो उसमें क्या जनरेट होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन द स्पेस सराउंडिंग इट, हाउएवर इफ़ द चार्ज पार्टिकल इज इन अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड मतलब किसी ना किसी थोड़ा बहुत मोशन बोल सकते हैं हम, ठीक है, अगर वो मोशन में हो, अगर वो पार्टिकल अभी तो रेस्ट में था, लेकिन आफ्टर दैट वो पार्टिकल अगर मोशन में हो, तो वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, उसके चारों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगेन समझा देता हूँ, चार्ज पार्टिकल किसी रेस्ट बॉडी के पास जाता है, तो रेस्ट बॉडी के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर
ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाता है जिसमें अनएक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है सिंपली क्वांटाइजेशन, जो हमारा वर्ड बना है, क्वांटाइजेशन जो हमारा वो हमारा बना है क्वांटिटी से, ठीक है, किससे बना है, क्वांटिटी से, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है चार्ज को हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब बना नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जब भी चार्ज जनरेट होगा तो व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, और चार्ज एक फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी ही होती है, फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू हमको मिलेगी चार्ज में, वन चार्ज, टू चार्ज, थ्री चार्ज, ठीक है, फोर, फाइव, ऐसा नहीं कि 1.2, 2.2, 3.4, ठीक है। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू रेदर देन एनी वैल्यू, ठीक है, दूसरी वैल्यू से हमको क्या मिलेगी इसमें, ओनली डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी एक के बाद एक कंटिन्यू, ठीक है। द क्वांटिटी इज सेट टू बी क्वांटाइज, इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको, डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वांटाइज, ठीक है। इफ़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमको पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। वन चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। इसको हम एक और नेम से जाना जाता है, इसको हम एलिमेंट्री यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वांटा ऑफ चार्ज, द चार्ज ओनली, ठीक है, एन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल, जब भी हमको चार्ज मिलेगा वो किस के फॉर्म में मिलेगा, इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, किस फॉर्म में मिलेगा, इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगा, जो कि मल्टीपल होगा। जैसे चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से, इज इक्वल टू, या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिलेगा। यहाँ पर एन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, इंटीग्रल, जीरो, डिस्क्रीट, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नेवर बी 0.5, मैं बता चुका हूँ आपको, चार्ज हमको जब भी, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है, ये क्वांटिटी सिंपल से वे में देखा जाए तो, ठीक है, क्वांटिटी जिसमें हमको चार्ज की जो वैल्यू है, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, 4 मिल सकती है, 5, ऐसा नहीं कि चार्ज की वैल्यू 1.2, 3.6 या 1.5 मिल जाए, 3/2 मिले, इस फॉर्म में चार्ज हमको नहीं मिलेगा, चार्ज हमको बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम इंटीग्रल मल्टीपल भी बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 चार्ज, 5 चार्ज, ठीक है, इसके फॉर्म में हमको मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि हमारा जो एलिमेंट्री चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर का जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट ही नेगेटिव साइन के थ्रू करते हैं, ठीक है, ठीक। आज हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ा है, चार्ज का SI यूनिट, चार्ज का CGS यूनिट, टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज के टाइप्स पढ़े हमने, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, ठीक है, रिपल्शन कहाँ होता है, अट्रैक्शन कहाँ होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, चार्ज इज जिसमें हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है, एंड थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी हमारी चार्ज इज कंजर्वड, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमारी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।